का पहला टॉपिक है, दो टॉपिक आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड बाय बाय अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बिट्टू, राइटिंग दिखाई दे रहा है? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हर एक क्लास के बाद पेन का इंक भरना पड़ता है भाई, इतना लिखना हो रहा है। ठीक है, देखो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब तक आप क्या जानते हैं पहले वो देखते हैं। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें हम करंट दौड़ाना शुरू करें, जैसे हमने यहाँ पे करंट दौड़ाना शुरू कर दिया और ये आई करंट है, तो हम इसमें क्या लेते थे बेटा, यहाँ पे हम हमेशा एक एक करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर लेते थे, याद है, बायट सेवर्ट लॉ जो हमें कहता था। और ये डीएल एलिमेंट लेके मान लो किसी एक पॉइंट पी पे आप क्या निकालने की कोशिश करते थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते थे। तो आप यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर लेते थे और इस वेक्टर को आपने आर कहा, ठीक है। और बायट सेवर्ट लॉ आपको क्या कहता है कि हम पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाएंगे, लेकिन छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के लिए जरूर बता पाएंगे। और वहाँ उन लोगों ने ये लॉ कुछ ऐसे दिया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा, डीबी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद है, और फिर क्या था, आई डी एल क्रॉस आर, और जब हम वेक्टर लेते तो यहाँ पे आर क्यूब लेते थे, ये आपको पता है। ठीक है, इतना सा ये हमें कहाँ से मिला था बेटा, ये हमें मिला था बायट सेवर्ट लॉ से, ये आप पढ़ चुके हो अभी, बायट सेवर्ट लॉ। तो आज के क्लास में ज्ञान ज्यादा रहेगा, डिराइवेशन सेकेंड पार्ट में एक रहेगा, उतना डिराइवेशन नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, नंबर वन हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होनी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए। पहले सिनारियों को क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे कैसे बना सकते हो? सर हम दो तरह से बना सकते हैं, नंबर वन तरीका क्या है, नंबर वन है कि कोई एक परमानेंट मैग्नेट ले आओ, कोई एक परमानेंट मैग्नेट ले आओ, है ना, और उसको रख दो तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और नंबर टू जो कि एज स्टूडेंट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो होता है कि एक करंट कैरिंग वायर ले आओ, करंट कैरिंग वायर ले आओ, है ना। दोनों ही केसों में दोनों ही तो मैग्नेट है बेटा, अगर दोनों मैग्नेट है तो दोनों के ही अपने अपने एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, मजेदार इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज लाते हैं, नंबर टू हमें चार्ज लाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को लाते हैं और इस चार्ज को क्यू नॉट कहते हैं, और इस चार्ज को डेलिबरेटली हम रेस्ट पे रख देते हैं, इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं। और अब सारे चैप्टर्स को कंपेयर करके हम देखेंगे होने वाला क्या है, चार्ज को रेस्ट पे रख दो। जरा एक चीज देखो, अगर आपको मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की जगह बेटा आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, समझ में आ रहा है ना, ये चैप्टर वन पे चले गए वापस, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी और इस फील्ड के आसपास आपने एक चार्ज को रख दिया क्यू नॉट और इसको रेस्ट पे रख दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है क्यू नॉट पे कोई फोर्स आएगा? चैप्टर वन की बात हो रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर हमने एक चार्ज लाया क्यू नॉट, और क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको रेस्ट पे रख दिया है, क्या इस पे कोई फोर्स आएगी? हाँ या ना, सबसे पहले, उसके बाद बाकी से आएगी।
देखो कितना कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, इसका मतलब कितने अनश्योर हो, इसका मतलब कवरेज है, कितने सवाल यहीं से प्रूफ करके आपको मैं बता सकता हूं, आप इसका आंसर दे सकते हो। हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड बाय द वे अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इन दैट डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा मतलब क्या, उसको फोर्स मिलना ही पड़ेगा वरना वो मूव कैसे करेगा। तो चार्ज, कोई भी चार्ज आप रेस्ट पे रखो या मोशन में रखो, चार्ज तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इस केस में हम क्या कहते हैं, सब भूल गए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी को तो हम चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो चार्ज तो चार्ज विल बी फेसिंग दैट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये है रेस्ट चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लेकिन कहानी अलग है, अभी आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, लेट्स से दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ठीक है, और बी को हमें एक डायरेक्शन देना चाहिए। मान लो अभी हमें पता नहीं नॉर्थ पोल वॉर्थ पोल कुछ भी, ऐसे मान लो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज को रेस्ट पे, ये सब आंसर तुम लास्ट क्लास दे चुके हो, लेकिन क्या है ना, पढ़ नहीं रहे हो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं असर नहीं पड़ेगा, नहीं मैं ये कह रहा हूं एक चार्ज रेस्ट पे है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आंसर लेकिन इस बोर्ड में है, ढूंढो क्या ये चार्ज, इस देखो ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्लियर, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन इज यहां क्या ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सपीरियंस करेगा, क्यों, कॉन्फिडेंटली आंसर आना चाहिए। तीन तीन चार जगह से तुम, यू शुड एक्चुअली नेल मी विथ फोर फाइव आंसर्स। सबसे पहला चैप्टर कहां से शुरू होता है, ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अगर वायर पे करंट चल रहा है तभी वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। वायर पे करंट चलना मतलब क्या, वायर पे चार्ज चलना, एक मूव, हाँ ये देखना, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, करंट को क्या कहते हैं, व्हाट इज करंट, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, करंट दौड़ना मतलब चार्ज मोशन में है, मोशन में चार्ज रहेगा तो वो ये चीज मैग्नेटिक है, कोई मैग्नेटिक वस्तु ही तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, कोई नॉन मैग्नेटिक आइटम मैग्नेटिक फील्ड में कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा। अब अगर आप यहां एक प्लास्टिक का टुकड़ा रख दो तो वो क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं करेगा। और हम ये पूरे चीज करंट में पढ़ रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ कोई भी मैग्नेट लाओगे या मैग्नेटिक मटेरियल लाओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब सवाल आता है चार्ज रेस्ट में रहने से मैग्नेटिज्म है क्या, नहीं है ना, मैग्नेटिज्म आने के लिए चार्ज को मूव करना पड़ेगा स्टेडी वेलोसिटी में, एक्सिलरेशन नहीं देते हम उसको, ये सब क्या है स्टेडी वेलोसिटी से करंट, करंट ये स्टेडी करंट है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये चार्ज रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहने से ये चार्ज यहाँ पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, ये हम लिखेंगे आगे, समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, चार्ज एट रेस्ट जो है, चार्ज एट रेस्ट से हम हमारा नजरिया बदल के चार्ज को मोशन में लाते हैं, लेट्स टेक दिस चार्ज इन मोशन, और चार्ज को मोशन में लाने के बाद हमें पता चल गया कि ये करंट कैरिंग है, ये क्या करेगा, ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगला सवाल आता है कि इसको आपने मोशन कैसे दिया, सर इसको हमने मोशन दिया विथ सम वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में दे दिया और इस चार्ज को हमने मोशन दे दिया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब सवाल आ जाता है कि इस फोर्स का, ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसकी एक मैग्नीट्यूड होनी पड़ेगी और इसकी एक डायरेक्शन होनी पड़ेगी। हमारी अगली कहानी इसी पे है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप अच्छी तरह देखो ये फोर्स पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन था, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटा दो तो कोई फोर्स नहीं, और दूसरा कौन है, ये वेलोसिटी, जब तक ये वेलोसिटी नहीं था तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं था,
ठीक है, किसका? वायर को कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो वो मैग्नेट बना ही नहीं था कि एक्सटर्नल फील्ड को रेस्पॉन्ड कर सके। तो अगर हमें इस फोर्स के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है, दिस फोर्स इज द आउटपुट ऑफ द वेलोसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द चार्ज अंडर स्टडी। ये चार्ज भी इसके लिए जिम्मेदार है। चार्ज मोशन में हो, अभी वेलोसिटी में कौन है? वेलोसिटी पे एक चार्ज है। तो अगर इसको हम छोटी भाषा में समझ लें, छोटी भाषा में, तो हम क्या देखेंगे कि हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है इस फोर्स को। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय व्हाट? एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज। इसको अगर हम आउटपुट माने हमारी कहानी की, तो कहानी के इनपुट में कौन कौन किरदार है? पहला तो वो चार्ज खुद है, दूसरा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरा कौन है? वो वेलोसिटी जिसके साथ वो चार्ज मूव करता है। ऐसे पढ़िए, फिर आपको कोई चीज रटने की जरूरत ही नहीं है। अभी समझ में आया? कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चाहे वो मूविंग हो या स्टैटिक हो, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन कोई भी चार्ज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पे रखूं, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए खुद ये चार्ज मैग्नेटिक बनना पड़ेगा। और ये मैग्नेटिक तब बनेगा जब ये वेलोसिटी में है। इसका मतलब ये करंट बना है, और कोई भी करंट कैरिंग वायर, वायर के अंदर क्या दौड़ रहा है बेटा? चार्जेस ही तो दौड़ रहा है। तब वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पहले क्लास के पहले पार्ट में हम स्टडी करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है। और अगले पार्ट ऑफ द क्लास सेकेंड हाफ में हम फोकस करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूव बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले तो एक चार्ज को देखेंगे, फिर पूरे कंडक्टर को देखेंगे कि वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या इतना आपको समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये चीज निकालना है। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मिटा सकता हूं, ठीक है, थोड़ा यहां से मिटाता हूं और मिटा के यहां पे आता हूं अभी। अब पहला चीज जो हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, पहला चीज हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम ना ये पूरा कोई थ्योरी, ये इट्स नॉट अ प्रूफ, इट्स समथिंग लाइक ऑब्जर्वेशंस। इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं, और इन ऑब्जर्वेशंस को आइए लिख डालते हैं एक एक करके, एक एक करके लिखते हैं। आई कैन नरेट यू, देयर इज नो पॉइंट इन मी राइटिंग द होल थिंग ऑन द बोर्ड, सो लेट मी नरेट दोस व्हाट यू कॉल ऑब्जर्वेशंस टू यू। आइए, पहला ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। लिखिए, नंबर वन, एनी चार्ज पार्टिकल क्यू एट रेस्ट इन एन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। क्यू एट रेस्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। ये तो बार बार, ये तो ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट तो यहीं से शुरू होता है। करंट कैरिंग वायर बिहेव, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? खुद मैग्नेट बनना पड़ेगा या मैग्नेटिक सब्सटेंस बनना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है, देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे बात आ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे पता करें। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा स्टोरी है। तो आपको कोई कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहते हो द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज अ पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, इसीलिए तो हम कहते हैं, याद करो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाया जाता था? रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स दिखाया जाता था। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो, वो जिस तरफ जाएगा उसी डायरेक्शन में होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो देखो, मैग्नेटिक, पहले हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय
इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, पहले लिख लो फिर समझो, इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच इफ अ चार्ज वुड हैव मूव्ड, इन विच इफ अ चार्ज वुड हैव मूव्ड इंग्लिश करेक्ट नहीं हो रहा है, इंग्लिश कैसा हुआ, इज गिवन बाय दैट डायरेक्शन, ठीक करो इसको थोड़ा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज, बाय द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज, बाय द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन विच इट वुड नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, इन विच इट वुड नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। बहुत स्टाइलिश सी बात लिख दी है, इसको समझना पड़ेगा। एनी मैग्नेटिक फोर्स, सुनो हमने इसको हिंदी में बताता हूं, इस लैंग्वेज को क्या लिखा हमने, ठीक है, हो गया। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नहीं जानते हैं, समझो जरा, हम इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन को नहीं जानते हैं, कैसे निकालेंगे, वहां एक चार्ज मूव कराएंगे, तो चार्ज तो भैया 360 डिग्रीज में मूव कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, नीचे जा सकता है, समझ में आ रहा है ना, एक चार्ज को आप स्पेस में रखेंगे तो चारों दिशाओं में जा सकता है, कोई तो एक ऐसी दिशा होगी जिस दिशा में अगर चार्ज जाए तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो हमने आपको क्या लिखा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन गिवन बाय दैट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन विच इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई, तो मेरे जो ये डेफिनेशन है ना उससे फिगर ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। देखो मैंने फिगर में ऑलरेडी ये मैंने दो एरोस दिखा दिया और दिखा के मैं आपको कह रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक्चुअली तो मुझे ये डायरेक्शन पता ही नहीं है, मुझे चार्ज को घुमाना चाहिए और घुमा के कहना चाहिए कि सर यहाँ पे चार्ज जब इस दिशा में गई ना तो कोई फोर्स नहीं है, ये है आपकी मैग्नेट की दिशा। लेकिन सोचो आर्बिट्रेली मैं ऐसे कैसे कह दूं किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा, तो मैं उसका उल्टा कह रहा हूं। आप समझ कैसा है स्टोरी, समझ में आ रहा है कि राम जी का वर्णन, हाँ राम जी का वर्णन हो रहा है, कोई कह रहे हैं कि राम कौन है, कहते हैं दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो है राम, ठीक है, तो ऐसे भी एस्टेब्लिश, या फिर लोग ऐसे कह रहे हैं वो जो राजा खड़ा है ना वो राम के फादर हैं, वो दशरथ हैं, दैट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन। सो आई एम नाउ सेइंग दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सोच लो यही है। तो फिर हम अगर चार्ज को रखें और चार्ज को इस दिशा में मूव कराएं तो उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यही तो डेफिनेशन है। अब थोड़ा देर के लिए ये डेफिनेशन को उल्टा करो और मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर दो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को गायब कर देते हैं, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि चार्ज इस दिशा में जाने से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, समझ में आया, तो यही है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता है तो आप ये जानते हो इस दिशा में अगर हम हमारे, अब चार्ज की दिशा क्या होती है, आप सोचो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी की दिशा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा है, जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट जाएगी उसी साइड में वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है इस चार्ज की वेलोसिटी इसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, और ऐसे केस में ये चार्ज क्या कर रहा है, नो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए, नो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, सीईडी, समझ में आ रहा है। ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को निकाला, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस, तो हमने लिख लिया व्हाट इज द डायरेक्शन,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये चीज आपको क्लियर में आया? और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये खुद भी एक वेक्टर है, ये डायरेक्शन सेंसिटिव है, क्योंकि आपको पता है पूरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब आप ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन बहुत जगह पे चेंज होता है, ये वेक्टर की तरह है हमारे पास। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि राइट अब आता है यहां से कुछ कंक्लूजन्स लेंगे। तो हमारे पास अब पॉइंट नंबर थ्री लिखने के लिए पॉइंट नंबर थ्री ऑब्जर्वेशन लेंगे। पॉइंट नंबर थ्री है इफ वी अगर वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू जीरो। कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है अगर वेलोसिटी पैरेलल हो गया या फिर एंटी पैरेलल हो गया, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो आइए इस जगह को मिटाता हूं यहां पे। अब यहां से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहां मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम कुछ ऐसा है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने ओरिजिनली वेलोसिटी को यहाँ पे रखा, ये वेलोसिटी वी वेक्टर है। अब वेलोसिटी को क्या करते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट करते हैं। यहां से मूव कराना स्टार्ट करो, मूव कराते कराते देखो, जैसे ही आप वेलोसिटी को मूव कराते कराते जाते हो तो आपको ऐसा आता है कि जब आप पैरेलल रहते हो तब तो कोई फोर्स नहीं है, और फिर हमने कोई भी आर्बिट्ररी वेलोसिटी ले ली। सपोज अभी आप वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में जब रख रहे हो, ऐसे पोजीशन में फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज जीरो। ऐसे पोजीशन में कुछ तो फोर्स है, ऐसे पोजीशन में कुछ तो फोर्स है, ये समझ में आ रहा है? अब ये फोर्स को देखा गया है कि इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड जैसे ही ऐसे पोजीशन पे आता है ना, ऐसे पोजीशन पे जैसे ही आ गया, तब आपका कैसा हो गया है, सॉरी, फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और दिस इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी जब ऐसे डायरेक्शन में आता है। तो इसको अगर मैं, समझ में आ रहा है, व्हेन इट इज बिकमिंग परपेंडिकुलर टू द, व्हेन इट इज बिकमिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चीज को थोड़ा सा मिटाता हूं, मिटा के जरा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो संजीवनी, मान लो ये कोई भी मेरा आर्बिट्री वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कैन आई स्प्लिट दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। ये है वी साइन थीटा। ठीक है, हमारा अगला ऑब्जर्वेशन ये आता है कि जो हमारा फोर्स है ना, इसी थर्ड में वी पैरेलल है और वी एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने से किस साइड में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, दिस इज माइनस वी कॉस थीटा, नेगेटिव वी कॉस थीटा हो जाता है, बिकॉज दिस इज कॉस 180 माइनस थीटा। समझ में आया? ऐसे केस में जीरो हो जाता है, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां भी कॉस जीरो जीरो होता है। तो यहां पे ये सब, ये कॉस, यहां पे अगर वेलोसिटी आया तो एंगल कितना है, जीरो, जीरो पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, साइन, सॉरी, कॉस जीरो वन होती है। और अगर हम साइन को देखें, ये चीज समझ में आ रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर आप कॉस जीरो का वैल्यू लो तो कितना होता है, वन, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन। क्लियर? जब हम जीरो पे रखते हैं, जीरो मतलब इट इज अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन, इस वक्त फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स इज जीरो। दैट मींस ये जो वी कॉस थीटा, द वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये कोई इफेक्ट प्ले ही नहीं करता है। मतलब आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को ले जाओगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो इम्पैक्ट है वो वी साइन थीटा के लिए आता है। इतना समझ में आया आपको? तो यहां हम कहते हैं द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। जितना वी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, जितना वी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। अब वी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, वन, और वो कब होती है, जब थीटा की एंगल 90 डिग्री हो। इतना तो क्लियर है ना?
ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया तीसरा। चौथा हम कहते हैं दैट फोर्स एक्सपीरियंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने आपको इनपुट आउटपुट में ही कहा था कि ये फोर्स आ रहा है तीन चीजों के लिए, स्वयं वो चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी, और फिर क्या है, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये आ गया। और पांचवा, पांचवा ऑब्जर्वेशन है, ये जो फोर्स आ रहा है ना, फोर्स ऑन क्यू, क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मूविंग विथ वेलोसिटी वी, ये फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। अरे अरे अरे, डेंजरस चीज है। देखो, फोर्स बी को भी परपेंडिकुलर होएगा, वी को भी परपेंडिकुलर होगा। ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलर होगा बी को भी और वी को भी, ठीक है ना। और आप ये वी को मान के चलो, इस वी को मान के चलो, आर्बिट्री वे में वी को मान के चलो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, अभी एंड सिक्स्थ इज द फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द चार्ज के मैग्नीट्यूड। बहुत कुछ लिख लिया हमने। सबसे पहले रेस्ट पे रहने से नो फोर्स, दूसरा अगर फोर्स वेलोसिटी को भगाया, चार्ज को भगाया जाए किसी वेलोसिटी से, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमने निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पे अगर चार्ज जाए तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। फिर उसके बाद हमने लिखा कि पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर मूव करे चार्ज, देन देर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस। फिर लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड क्यू। और ये देखा गया कि किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी को ले तो वेलोसिटी के बनते हैं दो कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही सोच के देखो, ये सोचो, फिर से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक वेलोसिटी दे दिया चार्ज को इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी को स्प्लिट किया दो वेक्टर में, ये वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा किसकी दिशा में है, बी की दिशा में है। तो वी कॉस थीटा में का कोई रोल नहीं है क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। इसका मतलब रोल किस में रहेगा, एनीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि वी साइन थीटा इज द की प्लेयर। और वी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू में परिवर्तित होगी। लेकिन वी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब साइन थीटा वन का रूप धारण करता है, यानी थीटा 90 डिग्री होता है, एंड द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ। जरा अभी सोचो, जरा सोचो, ये एक प्लेन है बेटा, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में हमारे पास कैसा है, कुछ ऐसा है। देखो तो यहां पे एक वेक्टर है मान लो, ठीक है, एक वेक्टर है, और यहां पे एक और वेक्टर है, और मैं कहता हूं ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। एक और वेक्टर यहाँ पैदा हो रहा है। ये सब तो सब जहां भी रहे वेक्टर ट्रांसलेशन में आप कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। अल्टीमेटली दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, बी ए हो गया। तो यहाँ जो, अच्छा आपको आपके लैंग्वेज में चाहिए तो आप ही के लैंग्वेज में करते हैं। देखो इसको मान लो बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, ग्रीन पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। ठीक है, हम कहते हैं जो फोर्स वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है, फोर्स कैसा है, फोर्स बी को भी परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स का ऐसा ड्रॉ किया जाए तो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होके हमारा फोर्स बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। तो हम कहते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, और फिर हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, लिख सकता हूं। और k की वैल्यू अगर 1 आए तो वेक्टर फॉर्मेट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर f इज इक्वल टू, अभी ये क्या हो रहा है बेटा, ये सब कुछ लेकिन हमारा आ रहा है अब q v b साइन थीटा। अब देखो
या तुमने क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर मुझे मिलता है सी। अगर ये वेक्टर है तो इसके दो चीज होने चाहिए, एक है इसकी मैग्नीट्यूड और एक है इसकी डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या चीज याद करना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल याद करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है, याद है राइट हैंड थंब रूल हम कैसे वेक्टर्स देखते थे? ये देखो, अब यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो तुम बना रहे हो, ये देखो, हाँ मैथ्स की चीज है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। राइट हैंड थंब रूल ऐसे कहता है, देखो ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, मतलब ए को बी की तरफ लेके जा रहे हो, ए को बी की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये है हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए करते तो बी को ए की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये होएगा डायरेक्शन। इसीलिए कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो चलो इस चीज को ठीक किया जाए। अब हमारे लैंग्वेज में तो हम इस चीज को ऐसे देखते हैं, देखो इस चीज को ऐसे देखते हैं, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है समझ लो, और ये मान लो वेलोसिटी वी है। तो वी क्रॉस बी, अगर मैं कहूं वी को क्रॉस करो बी के साथ, इसका मतलब क्या है? वी को बी के साथ क्रॉस किया, फोर्स इस तरफ आया। तो इस चीज को हम लिखते हैं के क्यू। अच्छा वेक्टर में लिखेंगे तो अभी के की जरूरत नहीं, के तो स्केलर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, क्यू स्केलर, वी क्रॉस बी लिखेंगे। दैट मीन्स याद रहे वी को बी की तरफ लेंगे तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज। और इसका ये हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू जो भी है के, के को ऐसा यूनिट में वन माना गया है और फिर इसलिए के को लिखते नहीं है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा उसका वेक्टर नोटेशन। क्या ये चीज आपको समझ में आया? राइट, सो सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? We actually saw that a stationary charge placed in a magnetic field does not experience any force. A moving charge experiences a force because a moving charge itself is like a magnet. And when this moving charge started to experience force, we first tried to find out what is the direction of the field. Direction of field is given by the direction of the movement of charge in which it experiences no force. So we say that if this is the direction of the field, then in this direction of motion there is no force, मतलब यहाँ पे जीरो है। यहीं से हम शुरू करते हैं कि वेलोसिटी को यहाँ से थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते जाओ तो फोर्स पैदा होना शुरू होता है, और फाइनली जाके हम देखते हैं कि ये कॉस थीटा कंपोनेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये अगर डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में नो फोर्स। तो इसको रिजॉल्व करने के बाद हम कहते हैं कि साइन थीटा कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटा? साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब आपका थीटा की वैल्यू 90। अब अपने क्लास 10 को याद करो और डीसी मोटर को याद करो। डीसी मोटर में जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? करंट करंट देन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड FBI, तीन ही चीज होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे आप क्यू वी बी साइन थीटा ले रहे हो तो आप बोलोगे सर वहां पे तो हमने क्यू नहीं देखा, वो आप अगले डेफिनेशन में देखोगे जब आप देखोगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तब ये जो क्यू और वी है ना ये रिप्लेस हो जाएगा आई से, यहाँ पे एक आई आ जाएगा और एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, एंड देन इट विल यू विल फाइंड दैट दिस डेफिनेशन विल चेंज टू क्यू की जगह पे आई एल बी हो जाएगा, वेर आई इज द लेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज को अगर ये सब देखो बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ से क्लियरली ये देख सकते हो कि
द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बी साइन थीटा. वी बी साइन थीटा इज नथिंग बट वी क्रॉस बी. वी को बी के साथ क्रॉस किया, फोर्स इस तरफ में आया. समझ में आया? तो क्या आप यहाँ पे दो चीज है कि फोर्स जो होता है हमारा, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट? फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. और जब आप कहते हो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज एक्चुअली फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक ही चीज होती है. जहां डिस्प्लेसमेंट है वहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन. ये चीज समझ में आया? आइए यहां से अब कुछ डेफिनेशन निकालते हैं और देखते हैं हमें यूनिट्स वगैरह की कहानी समझ में आई कि नहीं. ठीक है, अब देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. समझ में आया? अब आप क्या करो, अब आप ऐसा कर सकते हो Q को 1 कूलम कर दो, 1. स्पीड को 1 कूलम कर दो, स्पीड को कर दो 1 मीटर पर सेकंड. साइन थीटा की वैल्यू को 1 कर दो, वो तो डायमेंशनलेस है. और यहाँ पे क्या आ गया? एफ आ गया. ठीक है, तो क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नजर आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया देखो. तो अब मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू एफ. और यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे लिखूंगा एफ का मतलब क्या हो गया? एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई बेटा? एफ मतलब न्यूटन. ये न्यूटन है, न्यूटन. न्यूटन के नीचे आया क्या? कूलम पर सेकेंड. और नीचे आया क्या? मीटर. क्या ये नहीं बन गया न्यूटन एम्पियर मीटर? कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर. ये होता है 1 टेस्ला. 1 टेस्ला इज इक्वल टू, पहले चैप्टर में आपको लिखाया था, पहले क्लास में, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर. इसको हम कहते हैं 1 टेस्ला. और 10^-4 टेस्ला जहां पे होता है उसको हम कहते हैं 1 गॉस. 1 गॉस इज 10^-4 टेस्ला. समझ में आया ना ये डिराइवेशन? इफ यू मेक वेलोसिटी एज 1 मीटर पर सेकेंड 1 कूलम, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे हम डिफाइन भी करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. समझ में आया? देखो यहाँ से definition आ गया. What is magnetic field? Magnetic field is the force B is equal to F when the charge is 1 coulomb, when it is moving with a velocity of 1 meter per second, when it is making sine theta equal to 1, means theta is equal to 90 degree. Therefore magnetic field is defined as the intensity faced by a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second in a magnetic field, in 1 meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field. तब जो magnetic field, तब जो वो force experience करता है उसे हम कहते हैं magnetic field intensity. क्या यहाँ पे आपको clear हुआ? ठीक है. So अब यहाँ पे कुछ और चीजें आ जाती है. उस दिन जब हमने लोरेंस फोर्स को देखा था, मैंने आपको बताया था ना, देखो सोच के देखो, कोई भी जो चार्ज है, लोरेंस ने कुछ अलग बात नहीं कही, कोई भी एक चार्ज ले लो, ये चार्ज अगर मूव कर रहा है, मान लो मूव करेगा, ये चार्ज के इर्द गिर्द हमेशा कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. ठीक है, सोच के देखो, कोई भी चार्ज के इर्द गिर्द, और हो ना हो कुछ नहीं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है भैया. एक चार्ज पहले ऐसे ले लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा मिटा सकता हूं इस चीज को, यहाँ पे जो चीज लिखा. अच्छा चलो, अब लॉरेंस फोर्स को उस दिन जो आपको बताया था वही चीज और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको, वो भी याद रखने की जरूरत तो है नहीं. आइए देखते हैं लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स. ठीक है, आइए कोई भी एक चार्ज ले लो क्यू, ये चार्ज अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेंस करता है ई. मान लो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेंस करता है एक आर दूरी पे, आर वेक्टर की दूरी पे, इसे मैं कहता हूं ई एट आर. ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करता है.
और इतनी ही दूरी पे जाहिर सी बात है कोई मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रकोप रहेगा बी, तो मैंने इसको कहा बी एट आर। आप कहोगे ऐसी कोई जरूरी बात है? हाँ है, कुछ नहीं तो अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड है, आजू बाजू से बहुत सारे चार्ज भाग भाग के जा रहे हैं, अपने घर में ऑफिस छुट्टी हो गई तो सारे भागने वाले चार्जों ने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, तो ऐसा तो गारंटीड है दैट एवरी चार्ज विल सेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो आर दूरी पे। तब लॉरेंस ये कहते थे कि ये चार्ज क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज एट अ डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, एफ अपॉन क्यू, तो एफ की डेफिनेशन क्या हो गई, क्यू ही हो गई। लॉरेंस ने इसी चीज को लेके कहा कि ये जो होएगा ना दिस विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर प्लस द मैग्नेटिक फील्ड एट आर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं कहेंगे, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, और उसको उसने कहा क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू टाइम्स द, इसको ले लो मैग्नेटिक फील्ड एट आर ले लेते हैं, यही चीज है लॉरेंस का कहना। लेकिन आप एक चीज सोचो, इस चीज को अगर आप अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करो, ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स फेस्ड बाय अ चार्ज, अभी अभी आपने निकाला मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज क्यू वी क्रॉस बी, क्लियर। तो यहां पे बी आर की जगह पे डायरेक्टली बी आर, इसका जैसे रिलेशन इसके साथ क्यू ई होता है, इसका रिलेशन क्या होगा क्यू वी बी, तो यहां पे हम कहते हैं वी क्रॉस बी एट आर, समझ में आया। अब एक बात आती है, सर क्या है वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंस नहीं करेगा क्योंकि वी की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, वी की वैल्यू जीरो है। तो लॉरेंस ने एक ओवरऑल डेफिनेशन दे दिया, लॉरेंस फोर्स कहना है एवरी चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अ लॉरेंस फोर्स, अ लॉरेंस फोर्स इज द वेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ द चार्ज एक्सपीरियंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू, अगर आपको इस कटोरे से मालपुआ खाना है तो आप कुछ वेलोसिटी लेके आइए, वरना ये सरकारी मालपुआ आपको हमेशा मिलेगा, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन इफ यू आर स्टेशनरी, बट मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, आपके अंदर एक वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहां से ये और भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये था हमारा लॉरेंस फोर्स जो हमने उस दिन पढ़ा था, वही चीज को आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम करेंगे आखिरी पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ टुडे विच इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform external magnetic field। सोचो पहले के साथ इसका क्या डिफरेंस है, पहले तुमने यही चीज देखा था एक चार्ज के लिए, अब देख रहे हो एक कंडक्टर के लिए। कंडक्टर क्या होता है, सर कंडक्टर ऐसा एक वायर होता है, उसके अंदर क्या है करंट कैरिंग, मतलब क्या चार्जे दौड़ रही है, क्या उन चार्जों के पास वेलोसिटी है, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या क्या चीज नया आ जाएगा, देखो यहाँ क्या क्या चीज नया आ जाएगा, तो यहाँ भी हमें क्या मिलने वाला है, वही आउटपुट करके देखो, आउटपुट में हमें एक फोर्स मिलने वाला है। सोचो तो इनपुट में क्या क्या आएगा, जैसे कॉमन सेंस लगा के सोचो, सर इनपुट में चार्ज है, बहुत अच्छी बात है भैया, और क्या है चार्ज को वेलोसिटी है, सर बहुत अच्छी बात है, इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, सर करंट पैदा होगा, मतलब
क्यू वी भी लिख सकता हूं या आई भी लिख सकता हूं। और क्या है, और सर क्योंकि कंडक्टर के बारे में आपने उल्लेख किया है तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो लेंथ होएगा, बहुत अच्छी बात है, ये ए बी से ये सी का पैदा हुआ और एक डी, ये सब आ जाएगा। और सर एक तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, हाँ है, क्या तुम्हें नहीं लगता है गेम इसी के बीच में होने वाला है, अभी ये गेम होगा, पहले चार्ज था अब चार्ज के पास वेलोसिटी है यानी कि करंट है, और करंट किस में दौड़ रहा है, कंडक्टर में दौड़ रहा है। कंडक्टर को हम कैसे पहचानते हैं सर, कंडक्टर की लंबाई से पहचानते हैं, अच्छी बात है, कंडक्टर की लंबाई देखेंगे और इसके साथ लेंगे, क्लियर है, समझ में आया। तो भैया ले लो एक कंडक्टर, तो ये हमारा कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर की लंबाई कितनी है सर, कंडक्टर की लंबाई एल है, एल लेंथ की कंडक्टर को हमने ले लिया, एल लेंथ की कंडक्टर को कहाँ पे रख रहे हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, देखो हाँ ये चीज देख लो, ये एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है इसमें। और क्या देना है इसमें, इसमें एक और चीज देखेंगे, कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे, ये क्रॉस सेक्शन है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर से दौड़ाएंगे क्या, कंडक्टर के अंदर से दौड़ाएंगे एक करंट, इस करंट को हम कहते हैं आई, बस सिनारियो क्रिएटेड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इट कैरीज इज द स्टेडी करंट आई, ठीक है। यहां पे एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज एन, एन इज द नंबर डेंसिटी, ये नया टर्म है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चा एक चीज सोचो, इस कंडक्टर में बहुत ही चार्ज घूम रहा है ना, चार 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 चार्ज घूम रहा है पूरे कंडक्टर के अंदर, चार चार चार, हमें कैसे पता कितना चार्ज है इतना समय, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं एन, और इसको एन को हम कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, और चार्ज चार्जेस, और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारा, ई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो जितना आपने लेंथ लिया है मुझे बताओ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना होगा, नंबर डेंसिटी का मतलब समझे हो, पर यूनिट वॉल्यूम एन चार्ज है, तो इतना लंबा कंडक्टर में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम, दिमाग ठंडा करो संजीवनी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैं कहता हूं एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, अजीब बात है यार। अच्छा एक चीज सोचो, तुम्हारे पास एक आलू है, आलू की डेंसिटी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आलू का मास कितना हुआ, ये 7 क्लास का बच्चा बता देगा अभी, आलू की डेंसिटी है 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आलू का मास कितना हुआ, व्हाट इज डेंसिटी, लेट मी, हाँ मास पर वॉल्यूम, ये हाल हो रहा है सीबीएसई में पढ़ के, मास पर वॉल्यूम मतलब क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसकी वैल्यू है 4, तो पूरे आलू का मास कितना होगा, 4, चलो तुम्हें आसान चीज, हैदराबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1000 आदमी प्रति स्क्वायर किलोमीटर, तो हैदराबाद की पॉपुलेशन कितनी हुई, हैदराबाद की डेंसिटी है 1000 आदमी प्रति स्क्वायर किलोमीटर, तो हैदराबाद की डेंसिटी की पॉपुलेशन कितनी हुई टोटल, अरे मल्टीप्लाई दैट विद द एरिया ऑफ हैदराबाद ना, आई मीन जैप्ट संजीवनी, आप ऐसे आंसर नहीं, आलू की डेंसिटी 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, तो आलू की मास कितनी है, जितनी आलू की वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो क्लास 7 का बच्चा आंसर करेगा, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम,
तो इफ यू वॉन्ट टू नो द मास देन वॉट शुड यू मल्टीप्लाई इट विद, मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम, दिस इज नंबर डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितनी होगी, मल्टीप्लाई दिस विद द वॉल्यूम। रे बाबा आप लोग ना एकदम कॉपी मोड में रहते हो, थोड़ा भी तो ये क्या सा रट्टू तोते की तरह मैं पढ़ा रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन? एन इज चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अरे भाई लिखते ही नहीं हो ना, लिखने से भी आंसर आ जाता। चार्ज पर वॉल्यूम इतना है। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मेरे इस रॉड का वॉल्यूम कितना निकला, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम है ना, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये भी वॉल्यूम ही आएगा ना। वॉल्यूम वॉल्यूम को काट देगा, चार्ज मिलेगा टोटल। नंबर ऑफ चार्जेस हो गए हमारे एन इंटू ए एल, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? स्टेडी करंट, ठीक है, कंडक्टर में चल रहा है एक स्टेडी करंट। और स्टेडी करंट क्या है बेटा? स्टेडी करंट है आई। आई स्टेडी करंट अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, अगर आप आई स्टेडी करंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, देन इसका मतलब है चैप्टर नंबर 3, ईच चार्ज इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तभी ना करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? हर एक चार्ज वीडी वीडी करके इससे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो फोर्स एक्सपीरियंस निकालते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ये एक चार्ज मूव कर रहा है वीडी के लिए, अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज कैरियर, सारे चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स ड्यू टू बी। अच्छा बताओ एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू वी बी साइन थीटा एक्सपीरियंस करेगा। कितना एक्सपीरियंस करेगा? क्यू वी बी एक्सपीरियंस करेगा। अब ये क्यू की जगह आपके टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? एन ए एल है। और v की जगह किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो? vd की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। समझ में आया? तो लिख लो इसको। तो टोटल चार्जेस आपका कितना होगा, चार्ज कैरियर्स, तो ये होता है फोर्स को हम लिखेंगे अभी इक्वल टू q इंटू एन इंटू ए इंटू एल vd क्रॉस b, ठीक है। ये समझ में आया इतना तक? पढ़ना पड़ेगा संजीवनी, यू हैव टू स्टडी। मुझे अभी भी लगता है आफ्टर ट्यूशन इज ओवर आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। छोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी देखने को मिलेगी, वो है n इंटू क्यू इंटू वी डी। ये जो n है इंटू क्यू इंटू वी डी, ये जो है ना, इसको एक नया यूनिट दिया जाता है, इसको हम जे कहते हैं। जे, जे इज नोन एज करंट डेंसिटी। जे को कहते हैं हम करंट डेंसिटी। और जे लेकिन वेक्टर है, जैसे आपका करंट इज अ स्केलर, जे इज नोन एज अ करंट डेंसिटी, ठीक है। ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का मतलब है This is actually density means current per unit area, और इसी को n को n into q into vd, ठीक है, ये vd है हमारा, इसको अगर आप a के साथ multiply करते हैं ये हो जाता है current, n q vd a, a is the cross sectional area, ये current है। और क्योंकि current हमारा क्या है, scalar है, तो यहाँ पे हम इसके magnitude के साथ multiply करेंगे, this gives us current, ठीक है। यानी अगर आप करंट को यहां से देखो,
जरा यहां से देखो तो ये क्या हुआ, ये पूरा चीज, इसका मतलब है जे वेक्टर, जे वेक्टर ये है जे, दिस थिंग इज जे, जे के साथ अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, जे के साथ जब आप एरिया को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है करंट मिलता है। देखो आप जे जे के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट। तो इस एक्सप्रेशन को आगे लिखता हूं मैं, जो एफ है इसको अभी सजाता हूं, एफ कैन बी रिटर्न एज व्हाट, अब यहां से एन लेता हूं, क्यू लेता हूं और वी डी को अलग से लेता हूं, एन क्यू वी डी, जैसे एन क्यू वी डी हमने लिया, इसके बाद क्या है बेटा, एन क्यू वी डी है, एन क्यू वी डी के बाद एक एल है और एल के बाद एक ए है, ठीक है, एन क्यू वी डी, वी डी के बाद एक एल है, फिर ए है, एल आ गया और ए आ गया, इसके बाद हमारा बी है, ये लिख सकते हैं एन क्यू वी डी एल ए, ठीक है। एन क्यू वी डी क्या हो जाता है, एन क्यू वी डी जे हो जाता है, तो ये हो गया जे, जे वेक्टर, यहाँ एल है, यहाँ ए है इंटू बी है, ठीक है, जे है, एल है, बी है। फिर हम क्या करते हैं, जे वेक्टर के साथ ए आएगा तो एल आई आता है, देखो देखो जे के साथ ए होता है तो आई आता है। अब आप बोलोगे सर जे तो खुद है एक वेक्टर, आपने जे के साथ ए मल्टीप्लाई करके आई ले आया, जरा देखो जे को हम क्या करते हैं, अभी अंदर ले आते हैं, ए और एल को ले आते हैं और यहाँ बी करके रख देते हैं, दिस इज एफ, इतना समझ में आया, एल ए को अंदर। अब यहाँ पे देखो तो ये जे है, जे के साथ जब आप ए को करते हो तो आपको स्केलर मिलता है, आप बोलोगे अभी जे के साथ हमने ए को किया सर, यहाँ तो स्केलर आई मिल गया, पर ये वेक्टर कहाँ गायब हो गया, वेक्टर गायब नहीं हुआ, द वेक्टर हैज नाउ पास्ड ऑन टू एल, एल इज नाउ द वेक्टर, यही होता है फोर्स आई एल बी। अगर आप अभी अच्छी तरह से देखे तो आपने क्लास 10 में यही पढ़ा था कि द नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स, आई एल बी, और एल कैसा रहेगा, इसी की फोर्स की अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे आई इंटू एल क्रॉस बी साइन थीटा। सो व्हेन द फोर्स विल बी मैक्सिमम, द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, इसीलिए आपने देखा, आप डीसी जनरेटर को याद करो, डीसी जनरेटर में व्हेन द लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आता है। फिर आप बोलोगे सर डीसी जनरेटर कह रहा हूँ, डीसी मोटर, फिर आप कहोगे सर डीसी मोटर घूम भी तो जाता है तो कभी ना कभी तो जीरो हो जाना चाहिए, तब फोर्स जीरो होना चाहिए, मोटर घूमता क्यों है, तो हम कहते हैं मोटर इसलिए घूमता है क्योंकि उसमें मोमेंटम आ जाता है। तुम भी तो साइकिल चलाते चलाते पेडल रोक देते हो, साइकिल क्यों जाती है, मोमेंटम। और एक चीज सोचो, एक कॉइल नहीं रहता है बेटा, बहुत सारे हजार हजार कॉइल रहते हैं, कोई कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो है तो कोई कॉइल एंगल बना के बैठा है, कोई 90 डिग्री बना के बैठा, जो 90 डिग्री पे उसको ज्यादा फोर्स है। पहले भाग में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे भाग में हमने क्या डिस्कस किया, दूसरे भाग में हमने देखा कि एक कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है वो क्या फोर्स, इसको बाद में क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके अंदर मूविंग चार्जेस है। हमने इसको निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को कंसिडर किया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज होंगे, हमने कहा एन होंगे, वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, एन ए एल हो गए। अब हर एक चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी डी, तो डेफिनेशन क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की जगह पे आ गया एन ए एल क्यू, वी की जगह बी डी, बी डी इंटू बी, वहां पे एक डेफिनेशन हमने नया निकाला, एन इंटू क्यू इंटू बी डी इज नोन एज करंट डेंसिटी जे, और जे के साथ जब आप ए मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है करंट। लेकिन सवाल आता है सर जे के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जे क्यू नहीं लिखा जानबूझ के, वो वेक्टर कहाँ गायब हो गया, तो हम कहते हैं सर वेक्टर अभी मूव कर जाता है लेंथ में, तो द फोर्स एक्सपीरियंस इज नोन एज आई एल बी। तो आज के डिस्कशन का सारांश क्या है, सारांश ये है कि अगर कोई चार्ज क्यू
मूव करे वेलोसिटी वी के साथ, तो ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। और अगर कोई कंडक्टर रहे जिसके अंदर करंट दौड़ रही है कितना, आई करंट, और करंट कंडक्टर की लंबाई है एल, तो ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा क्यू की जगह पे आई, एल की जगह वी की जगह पे, वी की जगह पे आएगा एल क्रॉस बी। अब जरा सोचो, सर क्या दोनों चीज एक ही है, जरा ऐसे ही दिमाग लगा के देखो। क्यू क्या हो गया बेटा, कूलम हो गया, वी क्या है, मीटर पर सेकंड है ना। कूलम पर सेकंड को मैं एम्पियर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, मीटर को मीटर लिख सकता हूं, और बी तो तब भी था अब भी रहने दो, क्या ये वही नहीं हो गया, आई इंटू एल इंटू बी नहीं हो गया, एक ही तो हुआ। क्यू का मतलब है कूलम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, बी को बी ही रख दो, कूलम पर सेकंड क्या हो गया, एम्पियर हो गया, यानी कि करंट है, मीटर मतलब लेंथ है, और बी बी है, क्या ये चीज नहीं है।